नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में हर्बिसाइड्स के बारे में काफी सिंपल और सरल भाषा में चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट सवाल CSIR में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट हर्बिसाइड्स के मोड ऑफ एक्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हर्बिसाइड्स हैं क्या। तो हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल हम लोग अनवांटेड प्लांट्स को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि इन पौधों पर हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही इन पौधों पर हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया, ये पौधे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और काफी कॉमन हर्बिसाइड्स है 2,4-D, 2,4-Dichlorophenoxy हर्बिसाइड्स है। और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। या ऑक्जिन्स के तरह मिमिक करता है, ऑक्जिन्स के तरह बिहेव करता है, ये सिंथेटिक ऑक्जिन्स है। और अगर आप पौधों पर इस्तेमाल करते हैं इसका, तो ये पौधों के लीव्स पत्ती के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ट्रांसलोकेटेड टू मेरिस्टेम, ग्रोइंग पार्ट मेरिस्टेम में ट्रांसलोकेटेड हो जाता है और यह अनकंट्रोल और डिसऑर्गेनाइज ग्रोथ काउज करता है और इसके वजह से पौधे मर जाते हैं। दूसरा जो आपका एक काफी महत्वपूर्ण है, ग्लाइफोमेट, तो ये काफी महत्वपूर्ण है और इसका इस्तेमाल US में काफी फ्रिक्वेंटली होता है। और इसका मोड ऑफ एक्शन को हम लोग देखते हैं, ये क्या करता है ग्लाइफोमेट, कि एक एंजाइम है 5-enolpyrophyllsicimate-3-phosphate सिंथेस। इस एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट करता है। और यह एंजाइम जो है सिकमिक एसिड पाथवे में इन्वॉल्व होता है और जिसका काम क्या है, एरोमेटिक एमिनो एसिड का प्रोडक्शन करना। और इन एरोमेटिक एमिनो एसिड का प्रोडक्शन का काफी महत्वपूर्ण रोल है प्रोटीन सिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ में। तो जैसे ही आप ग्लाइफोसोमेट का इस्तेमाल करते हैं, आपका सिकमिक एसिड पाथवे ब्लॉक हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है और आपका एरोमेटिक एमिनो एसिड प्रोडक्शन नहीं होता। इसके वजह से पौधों में प्लांट सिंथेसिस या प्लांट ग्रोथ सॉरी प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ रुक जाता है और इस तरीके से ये पौधे मर जाते हैं। काफी फ्रिक्वेंटली नाम याद रखना है कि एरोमेटिक एसिड प्रोडक्शन को रोकते हैं ग्लाइफोसोमेट और यह सिकमिक एसिड पाथवे में क्या है, इन्वॉल्व होता है। और एंजाइम का भी नाम याद कर सकते हैं, पूछा जा सकता है EPSP सिंथेस। अब हम लोग दूसरे हर्बिसाइड्स का बारे में देखते हैं जो आपको प्रकाश संश्लेषण फोटो सिस्टम को इनहिबिट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में फोटो सिस्टम को इनहिबिट करते हैं। हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद इसके बारे में मोड ऑफ एक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। पहले नाम हम लोग जान लेते हैं, एट्राजीन डीसीमियो डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया पाराक्वेट। अब देखते हैं फोटो सिस्टम और प्रकाश संश्लेषण का ब्रीफ ओवरव्यू करते हैं। होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में संपन्न होती है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में संपन्न होती है। लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH का प्रोडक्शन होता है और वही ATP और NADPH का इस्तेमाल आप डार्क रिएक्शन में करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए। और यहाँ देखते हैं कि कैसे ये प्रोडक्शन होता है। तो नॉर्मली फोटोसिस्टम सेकेंड्स में आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और यह फोटोसिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और आपका प्लास्टोक्यूनिन प्लास्टोसाइनिन के थ्रू फोटोसिस्टम फर्स्ट में आता है और अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है NADPH के द्वारा लिए जाते हैं। और वास्तव में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है ताकि कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ NADPH और यहाँ पर ATP का निर्माण हो सकता है। और यह निर्माण कंटिन्यूअस होना जरूरी है ताकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया
संपन्न हो। तो डिफरेंट तरह के जो वीट्स साइट्स हर्बिसाइड्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग फोटो सिस्टम को इनिबिट करने के लिए करते हैं, जैसे एट्राजी आप इस्तेमाल करते हैं तो रूट के द्वारा अपटेक कर लिए जाते हैं और ग्रोइंग ट्रिप्स एक्टिवली लीव्स के पास ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं। और ये करता क्या है कि फोटो सिस्टम सेकेंड को क्या करता है, इनिबिट करता है। और हम देखते हैं कि कैसे फोटो सिस्टम सेकेंड को इनिबिट करता है, लेकिन आज के समय में इसका इस्तेमाल बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यह ह्यूमन के लिए भी टॉक्सिक है और अदर एनिमल्स के लिए भी टॉक्सिक है। सो दोनों के लिए डेंजरस है, लोग पीपुल वाइल्ड टाइप एनिमल्स के लिए भी डेंजरस है, इसलिए बैन कर दिया गया है इस हर्बिसाइड्स का। देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। या एसोसिएट होता है प्लास्टोक्यूनिन बी से, आप यहां देख सकते हैं ये प्लास्टोक्यूनिन बी से क्या होता है, एसोसिएट होता है, मतलब इसको बाउंड करता है। और बाउंड होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है प्लास्टोक्यूनिन ए से आपका बी के पास, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका बंद हो जाता है। और इस बंद होने से आपका एटीपी प्रोडक्शन, एनएडीपीएच और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन ऑल टुगेदर हैम्पर होता, नहीं हो पाता है और अल्टीमेटली प्लांट का डेथ हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ एटीपी एनएडीपीएच रिक्वायर्ड है। अब दूसरा जो देखते हैं क्या, मोड ऑफ एक्शन ऑफ डीसीबी, यह भी क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को क्लोरोप्लास्ट में इफेक्ट करता है, और कहां पर, फोटोसिस्टम सेकेंड में। और ये क्या करता है, ये भी सेम तरह का, प्रीटी मच सेम एक्शन के तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय फोटोसिस्टम सेकेंड जो होता है, बाइंड करता है प्लास्टोक्यूनिन बी कॉम्प्लेक्स को और ब्लॉक कर देता है इलेक्ट्रॉन फ्लो को, यहां से आगे नहीं बढ़ने देता है। इस केमिकल का इस्तेमाल काफी फ्रिक्वेंटली जो प्लांट बायोलॉजिस्ट हैं, जो फोटोसिंथेटिक्स अध्ययन करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और काफी फ्रिक्वेंटली इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ मोड ऑफ एक्शन के बारे में कहा, तो डीसीमी और एट्राजिन दोनों जो फोटोसिस्टम सेकेंड को क्या करता है, इनिबिट करता है। अब हम लोग पाराक्वेट के बारे में देखते हैं कि पाराक्वेट का मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो पाराक्वेट जो है फोटोसिस्टम फर्स्ट पर एक्ट करता है, या फोटोसिस्टम फर्स्ट इसको हम लोग बोलते हैं, एक्ट करता है। ये क्या करता है, आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और अल्टीमेटली एनएडीपीएच के द्वारा अपटेक कर लिया जाता है, और इस एनएडीपीएच का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में होता है। तो जैसे ही अगर पाराक्वेट अप्लाई करते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट से, जो अल्टीमेटली जाना चाहिए था एनएडीपीएच के पास, जो रिएक्ट करने के बाद ये फ्री रेडिकल फॉर्म में रिलीज होते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्म में रिलीज प्रोड्यूस होते हैं। और ये करता क्या है कि जैसे ही फ्री रेडिकल फॉर्म है जो इलेक्ट्रॉन का, उससे ऑक्सीजन बाइंड कर लेता है और जनरेट करता है सुपर ऑक्साइड, और ये सुपर ऑक्साइड हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है। और ये क्या करता है कि सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है काफी क्विकली तरीके से, और जो भी सेल का जो कंटेन है लीकेज हो जाता है, और इस वजह से प्लांट का डेथ हो जाता है। तो सरल भाषा में अगर इसको हम कहें तो पाराक्वेट फोटोसिस्टम फर्स्ट पर एक्ट करता है, और एक्ट करने के बाद यह क्या करता है, मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए अब हम लोग उससे सीएसआर से संबंधित सवाल को देखते हैं। और आप यहाँ देखें क्या, ये 2017 में सवाल पूछा गया है, काफी सिंपल सवाल है। रिसर्चर वॉन्टेड टू स्टडी लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेटिक्स, और ब्लॉक करता है फोटोसिंथेटिक्स इलेक्ट्रॉन फ्लो को डीसीमीयू और पाराक्वेट के बारे में बता रहा है, और फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन में लिस्ट किया गया फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन को, और आपसे पूछ रहा है कि आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करिए। तो हम लोग देखते हैं, डीसीमीयू पाराक्वेट ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन फ्लो फोटो सिस्टम सेकेंड, जो कि दोनों के बारे में बताया गया स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों, सही स्टेटमेंट क्या है, डीसी म्यू सेकेंड को और पाराक्वेट फर्स्ट को ब्लॉक करता है। यह भी जो दूसरा स्टेटमेंट है, डीसी म्यू पाराक्वेट ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये भी क्या है, गलत स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट है, डीसी म्यू ब्लॉक इलेक्ट्रॉन फ्लो फोटो सिस्टम फर्स्ट व पाराक्वेट ब्लॉक द फोटो सिस्टम सेकेंड,
यह भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। लेकिन जब ये देखें डीसी में ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन सेकेंड और ये फर्स्ट, ये स्टेटमेंट सही है। तो आपको चूज करना है गलत, ध्यान रखना है इनकरेक्ट, कंफ्यूज नहीं होना है कभी। सर का फ्रिक्वेंटली करेक्ट और इनकरेक्ट में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं या देख नहीं पाते। तो ये ए सी डी आपका क्या है, सही है। तो आपका आंसर ए सी डी। आइए और उस सवाल को देखते हैं। यह सवाल 2016 में पूछा गया है, सीएसआईआर में पूछ रहा है कि डीसी म्यू के बारे में, इनहिबिटर के बारे में, मोड ऑफ एक्शन के बारे में पूछ रहा है कि कहां ये काम करता है। काफी सिंपल सवाल है, आप जानते हैं कि फोटोसिस्टम सेकंड पर काम करता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो को फोटोसिस्टम में ब्लॉक करेगा, तो फोटोसिस्टम सेकंड 680 से 700 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, इनहिबिट करता है। और दूसरा जो चीज है क्या है, ये P700 से फेरेडॉक्सिनी किसके लिए अगर हो सकता है तो आप बताइए। ये आपका फोटोसिस्टम फर्स्ट के लिए हो सकता है, जो कि पाराक्वेट के लिए अगर ये रहेगा तो ये मोड ऑफ एक्शन हो सकता था। ठीक उसी तरीके से खाली अगर इसकी बात करें, एरोमेटिक बायोसिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक एमिनो एसिड, तो अगर इसकी बात करें तो अगर ये कब हो सकता था, जब ग्लाइफोमेट होता तो ये आंसर हो सकता था। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि इसके एक सही आंसर जो होंगे, फोटोसिस्टम सेकंड को ब्लॉक करता है। अगर आप इस चैनल को लाइक करते हैं, इस वीडियो को लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।